हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम ट्रैकर। आई एम दिव्यांश गुप्ता, योर फैकल्टी फॉर जीएस। आज हमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ना बहुत देर से डिमांड कर रहे थे कि फ्लरा फना पे वीडियो बनाओ सर, फ्लरा फना पे वीडियोस बनाओ। ठीक है, उनको लेक्चर चाहिए था फ्लरा फना पे। तो ठीक है, आज मैं आपके लिए फ्लरा फना पे ही लेक्चर लेके आया हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ पहले ही बता रहा हूँ, पहली बात तो लेक्चर पे सबने लाइक करना है, जो जो देखेगा भाई लाइक ज़रूर करना, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लाने हैं आपके लिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग लेक्चर्स लाने हैं। और एक और चीज़, आज कोई बच्चा ना, हर बच्चा जो जो लेक्चर सुन रहा है ना, वो चुप करके पॉपकॉर्न चिप्स या कुछ लेके बैठ जाना, क्योंकि लेक्चर है आपका थोड़ा सा लेंथी। ठीक है, थोड़ा लेंथी लेक्चर बनाया है, लेकिन इस लेक्चर में सारी की सारी जितनी भी आपकी टर्म्स हैं फ्लरा फना के रिगार्डिंग, जो कि एग्जाम्स में आपसे पूछी जाएंगी या पूछी जाती हैं, वो सारी की सारी मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी होगा, मैं बोल तो रहा हूँ आपको, चिप्स लेके बैठ जाओ, पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, जो भी लेके बैठना बैठो, आराम से पूरा लेक्चर स्टार्ट करो, हेडफोन्स लगाओ और सुनते जाओ। ठीक है, नोट्स साथ साथ में बनाते जाना, मज़ा बड़ा आएगा, इंटरेस्टिंग लेक्चर है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और जितनी देर से आप लोग डिमांड कर रहे थे ना, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो वैसा ही कुछ लेक्चर लेके आया हूँ मैं आपके लिए कि फ्लरा फना जो है हमारे जम्मू कश्मीर का सारा आपके लिए कवर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला लेक्चर है हमारा ये फ्लरा फना का, ये एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा मैं टॉपिक कंप्लीट करूंगा, देन उसके बाद हम सिर्फ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से आपका पूरा जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर का नाम है फ्लरा एंड फना ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे कुछ दिग्गज ऐसे भी होंगे जिनको पहली तो यही नहीं पता होगा कि फ्लरा क्या होता है और फना क्या होता है। ठीक है, कुछ होते हैं यार, हम भी वहीं से उन्हीं में से हूँ। ठीक है, फ्लरा एंड फना में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो इनको मैं बेसिक बता रहा हूँ। फ्लरा जो होता है वो प्लांट किंगडम होता है। क्या होता है? प्लांट किंगडम। राइटिंग मेरी गंदी है, ये सबको पता है। ठीक है, और जो फना होता है वो एनिमल किंगडम होता है। ठीक है, ये हमारे दिग्गजों के लिए जिनको नहीं पता कि फ्लरा और फना में डिफरेंस क्या होता है, तो ये उनके लिए है। भाइयों पहले ही देख लो, फ्लरा जो होता है वो होता है प्लांट किंगडम, और फना जो होता है वो कौन सा होता है बेटा? एनिमल किंगडम। ठीक है, अब इनके हिसाब से आज इस लेक्चर में हमने पूरा पढ़ना है कि किस तरीके से पेड़ पौधे जो है, इंपॉर्टेंट पेड़ पौधे जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में है, और एनिमल्स के बारे में भी पढ़ना है, जो हमारे यहाँ के जम्मू कश्मीर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब वो एनिमल्स कहाँ रहते हैं, उनको कहाँ पे कितने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, ये सारी की सारी चीजें हमने इसी लेक्चर में आज डिस्कस करनी है। ठीक है, अब मैंने बात की प्रोटेक्ट करने की इनको। ठीक है, अब प्रोटेक्ट करने हम लोग तो जाएंगे नहीं, अगर हम लोग गए तो हम भी वापस आएंगे, ये नहीं आएंगे, ये भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट वाले। ठीक है, ये जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वाले होते हैं यही इनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। हम लोग इंडिविजुअली तो जाके किसी को प्रोटेक्ट कर नहीं सकते, हमसे गली के कुत्ते नहीं संभाले जाते, उनको देख के डर लगता है, ये तो फिर जानवर है। ठीक है, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट केम इन टू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1978। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव आ गया आपका कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है हमारे जम्मू कश्मीर में कब स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था बेटा 1978 में। ठीक है, अब इसका काम क्या था, जितने भी हमारी यहाँ की वाइल्ड लाइफ है, फ्लरा है, फना है, उसको प्रोटेक्शन देना, ताकि हम लोग उसको एक्सप्लॉइट ना करें। ठीक है, हम लोग उसको एक्सप्लॉइट ना करें। अब जितने अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, ये लोग इतनी अच्छे से उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जब ये इमेजिन करो कि जब इनकी कोई प्रोटेक्शन थी ही नहीं, तो उस टाइम पे किस लेवल तक एक्सप्लॉयटेशन हो सकती थी। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो हमारा जम्मू कश्मीर का ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है, ये 1978 में तो सेटअप हुआ था, फिर उसके बाद प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ये हमारे वाइल्ड लाइफ को बचा रहा है, लेकिन द जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट इवॉल्व फ्रॉम अर्स्टवाइल्ड जम्मू कश्मीर गेम प्रिजर्वेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, इसका काम अंडर गेम्स एक्ट के अंडर यही था कि इन पूरे एनिमल्स वगैरह, पूरी जो वाइल्ड लाइफ वगैरह है, इनको बचा के रखे। ठीक है, तो इस स्लाइड की अगर मैं बात करता हूं, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं आपके लिए। पहला तो ऑब्जेक्टिव ये आ जाता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है वो 1978 में सेटअप हुआ था, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है वो किस डिपार्टमेंट से इवॉल्व हुआ है, तो वो होगा जेएनके गेम प्रिजर्वेशन डिपार्टमेंट, जो कि कब, मतलब किस एक्ट के अंडर काम करता है, वो करता है 1942 टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द गेम ऑफ द स्टेट। ठीक है, इसमें वाइल्ड लाइफ वगैरह को प्रोटेक्ट करने का बहुत ही ज्यादा काम होता है,
ठीक है, और इन्हीं की वजह से हमारे यहाँ पे जितनी भी मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड है वो बची हुई है, ठीक है। अगर ये नहीं हो तो इस हद पे एक्सटेंट पे होगी ना वो, या खत्म होती जाएगी कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ पे कभी ये स्पीशीज थी, क्योंकि हमारी स्टेट में बहुत ज्यादा रिच वराइटी है फ्लोरा एंड फना की, जो कि हम लोगों ने बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करके रखी हुई है, ठीक है। मैं सच बोल रहा हूँ बिल्कुल, कि एक्सप्लॉइटेशन जबरदस्त कहते ना, दम रख के एक्सप्लॉइटेशन करना, वैसी हालत की थी हम लोगों ने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं सीधा अपने किसकी फ्लोरा की तरफ, ठीक है, फ्लोरा की तरफ बढ़ेंगे जो हमारे यहाँ की इंपॉर्टेंट हर्ब्स या फिर प्लांट्स वगैरह हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आता हूँ किसके ऊपर, बिस्टोटा एफर्निस पे। किस पे आना बच्चे? बिस्टोटा एफर्निस। ये जो है ये हिमालयाज में अफगानिस्तान से लेके ईस्टर्न नेपाल तक आपको मिल जाएगा, मतलब आपको प्लेट्यूज में नहीं मिलेगा, ठीक है, आइलैंड्स में नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा कहाँ पे? सिर्फ हिमालयाज पे। और हिमालयाज की आपने सैर कहाँ से करनी है? आपने चले जाना है पहले अफगानिस्तान, चले नहीं जाना यार सच्ची में, अफगानिस्तान से लेके ईस्टर्न नेपाल तक, जिसकी हाइट जो है पहाड़ों की 3000 से 4800 मीटर के करीब करीब आती है, तो वहां पे उन एरियाज में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं 3000 से 4800 मीटर की हाइट तक हिमालयन रेंज में ये मिलता है अफगानिस्तान से लेके ईस्टर्न नेपाल तक, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आता है कौन सी ऐसी वैरायटी है फ्लोरा की जो कि मिलती ही हमें खाली हिमालयन एक्सटेंट्स पे है, तो वो आ जाती है आपकी बेस्टोटा एफर्निस। अब इसका काम क्या होता है यार, मैंने बहुत ही मतलब लेक्चर बेशक बड़ा होगा लेकिन बात ये है कि ये बहुत ही ज्यादा ना कंबाइंड है, मतलब जितना एग्जाम्स में आ सकता है मैंने वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए मार्क करके रखे हैं, सारे के सारे वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाए हैं, ठीक है। अब बिस्टोटा एफर्निस की मतलब इसको यूज कहाँ करते हैं, जिस तरह हम लोग घास होती है ना, घास उगाई होती है वो पूरी की पूरी ग्राउंड को कवर करने के काम आती है, उसी तरीके से ये बिस्टोटा एफर्निस होता है, ये ग्राउंड कवर करने के काम आता है, मतलब हिमालयस में जो ग्राउंड वगैरह कवर होते हैं तो मोस्टली ये आपको कॉमनली मिल जाता है वहां पर, ठीक है बेटा। उसके बाद आते हैं किस पे, कैडियस क्रिस्पस। एक तो नाम इतने खतरनाक है ना, कसम से जुबान टेढ़ी हो जाए इस तरीके से नाम दिए हैं लोगों ने, ठीक है। कार्डस क्रिस्पस, इट इज अ नेटिव ऑफ यूरोप एंड एशिया, ठीक है। ये एक ऐसी प्रजाति है जो यूरोप और एशिया दोनों में मिलती है, ठीक है। यूरोप मतलब ऑब्वियसली अब इससे एक चीज तो पता चल रही है कि ये ठंडे ठंडे इलाकों में ज्यादा मिलेगी, ठीक है। और ये काम किसके आते हैं, ये हनी बीज काम, मतलब हनी बीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हनी प्रोडक्शन में काम आती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, विच ऑफ द फ्लोरा इज यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी, तो कौन सा आ जाता है बच्चा, कार्डस क्रिस्पस, ठीक है। अब एक और चीज मानी जाती है कि ये जो कार्डस क्रिस्पस है ना, इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है हमारे लिए, क्योंकि इसके अंदर इसका जो नेक्टर होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इस स्लाइड की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स कैसे कैसे आ जाते हैं, एक तो आ गया बिस्टोटा एफर्निस जो कि कहां पे आपको मिलता है, हिमालयाज में अफगानिस्तान से लेके ईस्टर्न नेपाल के बीच बीच में, ठीक है। हाइट जो मतलब 3000 से लेके 4800 का एलिवेशन है वहां तक मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात आती है, कौन सा ऐसा फ्लोरा है जिसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो आ जाता है आपका कार्डस क्रिस्पस, ठीक है। और हनी प्रोडक्शन में कौन सा प्रजाति जो है फ्लोरा की वो बहुत ज्यादा काम आती है, तो वो कौन सी है बच्चे, कार्डस क्रिस्पस, ठीक है। एक स्लाइड है, इसमें भी 4-5 ऑब्जेक्टिव आपके निकल के सीधा सीधा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, पॉपकॉर्न वगैरह लेके बैठना यार, ऐसे नहीं बैठना, भूखे रह जाओगे नहीं तो। हाँ, अब नाम देखो यार कितना खतरनाक है, इग्नोकोलिया कोलोना, पता नहीं क्या है ये, ठीक है। इग्नोकोलिया कोलोना कॉमनली नोन एज जंगल राइस, तो यही बोलो फिर, ये क्यों बोलने की जरूरत है हमें, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, जंगल राइस, डेक्कन ग्रास, ठीक है, या फिर ऑलिस बारन ग्रास, ठीक है। इसको जंगल, आप लोग याद रखना भैया, जंगल राइस किसे कहा जाता है और डेक्कन ग्रास किसे कहा जाता है, ठीक है। ये एक ऐसी वाइल्ड ग्रास है जो कि कहां पे ओरिजिनेट हुई है, ट्रॉपिकल एशिया में, ठीक है, ट्रॉपिकल एशिया में यूज हुई है। अब इन इंडिया सीड्स ऑफ दिस ग्रास इज यूज टू प्रिपेयर फूड डिश, ठीक है। जो खिचड़ी होती है ना, खिचड़ी जो कि हम लोग खाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा ये काम आती है, ठीक है। और ये फेस्टिवल्स होते हैं, जो भी फेस्टिवल फास्टिंग सीजन होते हैं उसमें बहुत ज्यादा ये काम आती है, ठीक है। अगर हम गुजरात की तरफ देखें तो गुजराती में इसको समो मोरियो ये चीजें कहा जाती है, ठीक है, समो और मोरियो इसे कहा जाता है। अगर मराठी की बात करें तो इसको भगर, ठीक है, वरीचा, तुंदुल, ये सब चीजें कहा जाते हैं, ठीक है। हिंदी की बात करें तो मोरगन या फिर सवा का चावल या समय का चावल भी कहा जाता है, ठीक है। अब इतने सारे नाम से आप नहीं बुलाओगे लेकिन ये ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं कि कौन सी ऐसी फ्लोरा है
जिसको समय का चावल भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये नाम तो बड़ी मुश्किल से याद होता है भैया, सिंपल सी बात है, जंगल राइस फिर याद हो जाएगा, डेक्कन ग्रास फिर याद हो जाएगा, समय का चावल याद हो जाएगा, लेकिन ये नाम करने के लिए ना बंदे को 10 बादाम कम से कम दिन के खाने चाहिए सिर्फ इस नाम के लिए, बाकी जो आपने याद बाकी याद रखना वो अलग से देख लेना, ठीक है। तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं कि समय का चावल किसे कहा जाता है, समू मोरियो किसे कहा जाता है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं इस स्लाइड के, ठीक है। इस तरीके से दिखता है ये देख लो भैया, ठीक है, इस तरीके से दिखेगा। आगे बढ़ते हैं, हाँ आहा, गोल्थीरिया त्रिचोल, ठीक है, गोल्थीरिया त्रिचोल इट इज कॉमनली नोन एज हिमालयन स्ट्रॉबेरी। ऑब्जेक्टिव आ गया आपका, ठीक है, कौन सी ऐसी फ्लोरा है जिसको हिमालयन स्ट्रॉबेरी कहा स्नोबेरी कहा जाता है, तो क्या आएगा, गोल्थीरिया त्रिचोल इज अ स्पीशीज ऑफ प्लांट इन द हेल्थ एंड द हेल्दी फैमिलीज, ठीक है। ये हिमालयाज की एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त कहते हैं गिफ्ट दिया है हमें हिमालयाज ने, तो वो आ जाता है गोल्थीरिया त्रिचोल जिसको हिमालयन स्नोबेरी भी कहा जाता है, ठीक है। इसके जो लीव्स वगैरह होते हैं 3 mm की लेंथ तक आ जाते हैं। कलर्स जो हैं इसके कौन से, एक रेड कलर आ जाएगा, पिंक कलर आ जाएगा, या फिर होल पिंक से व्हाइट तक कलर रह सकता है, ठीक है। इसके जो फ्रूट्स जो होते हैं ब्लू कलर्ड बेरीज होती हैं। ऐसे भी आप सबको पता है कि बेरीज जो हैं वो कितनी ज्यादा हेल्पफुल होती हैं, हमें बहुत ज्यादा बीमारियों से दूर रखती हैं ये बेरीज, ठीक है। और जब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं हिमालयन बेरीज के साथ, ठीक है, जो कि बिल्कुल प्योर है, जिसको हम लोग उगाने नहीं गए हैं, उसकी कोई हम फार्मिंग नहीं कर रहे, तो वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं एरिस क्रोसिया, इट इज अ राइजोमेटियस पेरिनियल प्लांट, ठीक है। पेरिनियल का मतलब जो होता है हर साल रहता है, पूरे साल रहता ही है, ठीक है। ये भी आपको कश्मीर में मिलेगा, इट इज कल्टिवेटेड एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट, ठीक है। इसको पैसे महंगे पैसों में बेच सकते हैं। इट इज कॉमनली नोन एज गोल्डन एरिस या गोल्डन फ्लैग, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन सा ऐसा फ्लोरा है या फिर प्रजाति या फ्लोरा की जिसको गोल्डन एरिस या गोल्डन फ्लैग कहा जाता है, तो आ जाता है गोल्डन एरिस, किसको कहा जाता है, एरिस क्रोशिया को। इट वॉज ऑल्सो नोन एज एरिस ऑरिशिया फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दैट वॉज रजिस्टर्ड एज अ सिनोनिम ऑफ एरिशिया क्रोशिया, ठीक है। ये अब इतना तुम लोग याद तो कर नहीं पाओगे, इतना तो याद नहीं कर पाओगे कि कौन सा किसका सिनोनिम है, कौन सा किसका सिनोनिम है। इसमें जो मैंने मार्क करके दी है, जो सर्कल करके दी है आपको, कि गोल्डन फ्लैग किसको कहा जाता है या गोल्डन एरिस किसे कहा जाता है, तो आप बोलोगे एरिस क्रोशिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब ये आप लोग देखते हो कि मटेरियल ज्यादा है, ठीक है, लेकिन इस मटेरियल के अंदर कितने सारे ऑब्जेक्टिव्स निकल रहे हैं इसको देखना ज्यादा, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने ये चार लाइनों का बनता है, तो इस चार लाइन में आपको चार ऑब्जेक्टिव्स निकाल के दे दिए मैंने सीधा, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और लाइक यार जरूर किया करो लेक्चर को, बड़ा ज्यादा मोटिवेशन मिलती है लाइक्स देख के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ अब आता है हमारा बेस्ट ट्री जो कि चिनार है, ठीक है, जिसको हम ट्री ऑफ जेएनके भी कह सकते हैं, ठीक है। द मैजेस्टिक चिनार ट्री हुज बॉटिक क्या ये बॉटेनिकल नेम वॉज प्लैनेटस ओरिएंटलिस, ठीक है, या ओरिएंटल प्लेन भी बोल सकते हैं, ग्रोज एट द टॉल ऑफ 25 मीटर, ठीक है, 25 मीटर तक इसकी हाइट हो सकती है, 50 फीट तक ये जा सकता है, जनरली कॉल्ड बॉन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बॉन कहा जाता है लोकल कश्मीरी लैंग्वेज में, और चिनार बाय उर्दू स्पीकर्स, ठीक है। अगर कश्मीरी लैंग्वेज की मैं बात करता हूं तो इसको लोकल जो कश्मीरी लैंग्वेज है, एंशियंट कश्मीरी लैंग्वेज जो है, उसमें इसको कहा जाता है बॉन, ठीक है। और एक बात हम करते हैं कि उर्दू के हिसाब से इसको कहा जाता है चिनार, कश्मीर वैली इज द होम ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ट्री, ठीक है, जो कश्मीर वैली है उसमें वर्ल्ड का दुनिया का सबसे पुराना चिनार का पेड़ है, जो कि कितने ईयर्स पुराना है, 627 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, विच इज लोकेटेड इन द विलेज चित्तरगम, ठीक है, ऑफ बड़गाम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, विलेज की बात छोड़ दो, विलेज नहीं आएगा, लेकिन जो बड़गाम डिस्ट्रिक्ट है ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में वर्ल्ड का कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हमारे कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में वर्ल्ड का सबसे पुराना चिनार का पेड़ है, ठीक है, तो वो कौन सी आ जाती है बेटा, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और ये कब प्लांट किया गया था, 1374 बाय एडी बाय इस्लामिक मिस्टिक सैयद अबुल केम हमादली, ठीक है, इन्होंने इसको प्लांट किया था, हु कम्युनिस्ट विद मीर सैयद अली हमादली
फ्रॉम ईरान टू कश्मीर, ठीक है, इन लोगों ने इसको मिला मतलब लगाया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं नसीम बाग जो है कश्मीरी मुगल गार्डन, जो कि एक मुगल गार्डन है नियर श्रीनगर, विच हाउसेज ओवर 700 चिनार ट्रीज, ठीक है। कौन सा ऐसा मुगल गार्डन है, कौन सा ऐसा गार्डन है श्रीनगर का जिसमें 700 से ज्यादा या 700 चिनार के पेड़ हैं, तो कौन सा आता है नसीम बाग ऑफ श्रीनगर। ये एक मतलब चिनार हेरिटेज पार्क भी इसको बोला जाता है, इसको हम लोगों ने मतलब डेवलप कर दिया है एज चिनार हेरिटेज पार्क बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो चिनार के अगर मैं बात करता हूँ चिनार की वाली स्लाइड पे हमें कितने ऑब्जेक्टिव्स मिल गए, पहला तो इसको कश्मीरी भाषा में क्या कहा जाता है, बोर्न इन लोकल कश्मीरी लैंग्वेज। चिनार इसको उर्दू की लैंग्वेज में कहा जाता है। वर्ल्ड का सबसे पुराना मतलब सबसे पुराना चिनार का जो पेड़ है वो कहाँ पे है, वो हमारे कश्मीर में है, ठीक है, वो हमारे कश्मीर में है, ठीक है। और किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसको मतलब किसने मतलब वो लगाया था, तो इसको लगाया गया था सैयद अब्बुल केम हमादनी ने लगाया था इसको, ठीक है, और मीर सैयद अली से इन लोगों ने मिलकर लगाया था इसको, ठीक है। अब कश्मीर का जो एक लोता या फिर हम बोले जो सबसे इंपॉर्टेंट मुगल गार्डन आता है जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, चिनार की, जिसमें 700 चिनार के ट्री लगे हैं, वो कौन सा आता है बच्चे, नसीम बाग। कौन सा आता है बेटा, नसीम बाग, ठीक है। और इसको हैज बीन डेवलप्ड एज द फर्स्ट चिनार हेरिटेज पार्क, इसको फर्स्ट चिनार हेरिटेज पार्क भी कहा जाता है, ठीक है। इतनी सी स्लाइड है यार, 5-6 ऑब्जेक्टिव निकल गए तुम्हारे, ये फर्स्ट चिनार हेरिटेज पार्क इसको कहा जाता है, ठीक है, बोन किसका नाम है, फिर उसके बाद सबसे पुराना कश्मीरी मतलब जो चिनार का पेड़ है वो कहाँ पे लगा है, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं आपकी चिनार वाली स्लाइड में, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, एक दो बार स्क्रीनशॉट मार दूं और मैं इसका क्विक रिकैप भी एक दूंगा आपको, ताकि आपको इजीली टू अंडरस्टैंड हो जाए सारी चीजें, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, हाँ अब जाते हैं सीधा लोटस की तरफ। किसकी तरफ जाना है, लोटस की तरफ, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। स्टेट फ्लावर भी किसी टाइम पे ये माना जाता था, और इसको कश्मीरी वर्ड इसका जो है वो पंपोश है। क्या है, पंपोश, ठीक है, बिल्कुल कॉमन है पंपोश। और इसके कॉमन नेम्स क्या होते थे, जैसे चाइनीज वाटर लिली कहा जाता था इसको, ये इजिप्शियन बीन भी कहा जाता था, इंडियन लोटस, सेक्रेट लोटस तक इसको कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इसका फ्लावरिंग या फ्रूटिंग मतलब कब होती है, तो ये जून से अक्टूबर के बीच में होती है। इसके ट्रेडिशनल यूजेस क्या है, देखो यार जो लोटस है वो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान विष्णु को ये अर्पित किए जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बहुत ज्यादा सेक्रेट कहा जाता है, ठीक है। अब एक चीज आती है सेरेमोनियल यूजेस, ठीक है, कौन सी सेरेमनीज पे इसको यूज किया जाता है, ठीक है। ये मैंने माइथोलॉजी के हिसाब से नहीं बताया है, माइथोलॉजी मैंने सिर्फ इतना ही बताना था कि लॉर्ड विष्णु को ये अर्पित किए जाते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ सेरेमोनियल यूजेस की, the civilian award given by the government of India in the form of Padma Shri, Padma Bhushan, Padma Vibhushan have the words Padma. Padma का मतलब क्या होता है, lotus, ठीक है, most important, ठीक है। और Shri का मतलब क्या होता है, Shri written in Devanagari script appear above below in imprint of the lotus flower of the observed, ठीक है। मतलब जो Padma Shri हम देते हैं, Padma हम नहीं देते, जो government of India देती है, ठीक है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इसमें पद्म का मतलब क्या होता है, लोटस, क्या मतलब होता है बच्चे, लोटस, ठीक है। तो ये सारी के सारी इंपॉर्टेंसेस थी लोटस की, जो कि हमारी स्टेट में या फिर यूटी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट फ्लावर होता था किसी टाइम पे, जिसको कश्मीरी लैंग्वेज में पंपोश भी कहा जाता था, ठीक है। इसके और भी काफी कॉमन नेम्स हैं, ट्रेडिशनल यूजेस भी हैं इसके काफी ज्यादा, ठीक है। और सेरेमोनियल की बात करें तो जो हम पद्म भूषण वगैरह देते हैं, तो पद्म का मतलब क्या होता है, लोटस, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, हाँ अब हमने जाना है सीधा किसकी तरफ, फना की तरफ, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि फ्लोरा मतलब प्लांट किंगडम और फना मतलब एनिमल किंगडम, ठीक है। अब हम जा रहे हैं अपने एनिमल किंगडम की तरफ। तो यार एक चीज मैं पहले ही बता दूं कि जो हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट थी या यूटी है, यार इसमें थोड़ा वो रह जाता है बीच में, ठीक है। जम्मू कश्मीर की स्टेट या यूटी है, उसमें बहुत ज्यादा अच्छी मतलब बहुत ज्यादा रिच मतलब एक हमारा फना की वराइटीज है हमारे पास, ठीक है। बहुत ही ज्यादा रिच हमारी फना की वराइटीज है, क्योंकि हमारे पास हिमालयाज है, फिर उसके बाद पूरे के पूरे जंगल वगैरह है, तो काफी ज्यादा हम लोग रिच है इसमें, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अबाउट 16% ऑफ द इंडियन मैमल्स जो है हमारे स्टेट में पाए जाएंगे, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, बटरफ्लाईज हैं, ठीक है। मैंने एम्फीबियंस और बटरफ्लाईज के हिसाब से भी पूरा डिवाइड किया है, जबकि हम उसको पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें मैंने बताया हुआ है, नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से कितनी वैरायटी की हमारे पास बटरफ्लाईज वगैरह भी हैं, कितने हमारे पास एनिमल्स वगैरह मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो फना का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिच डाइवर्सिटी है हमारे जम्मू कश्मीर में, ठीक है बेटा।
आगे बढ़ते हैं, अब हमने पहले जानवर की तरफ आते हैं, ठीक है, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर के एक बहुत इंपॉर्टेंट है, द हिमालयन ब्राउन बियर यूसिस एक्टोस इस बिलियनस, ठीक है, ये इसका नाम है, ठीक है, इसको हिमालयन रेड बियर इज ऑल्सो नोन एज हिमालयन रेड बियर, ठीक है, और दजूते भी बोला जाता है, इज अ सब स्पीशीज ऑफ द ब्राउन बियर एंड इज नोन फ्रॉम द नॉर्दर्न अफगानिस्तान, ये माना जाता है ये नॉर्दर्न अफगानिस्तान की एक स्पीशीज है जो कि हमारे नॉर्दर्न पाकिस्तान लगा लो, नॉर्दर्न इंडिया इन्हीं में पाई जाती है, या वेस्टर्न चाइना, वेस्टर्न चाइना की बात करें तिब्बत के पास के इलाके जो है वहां पर आपको ये पाई जाती है, ठीक है। तो हिमालयन ब्राउन बियर जो हैं, हिमालयन ब्राउन बियर जो हैं वो किन किन रीजन्स में आपको पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं बच्चे आपको कहाँ पे, नॉर्दर्न अफगानिस्तान में, नॉर्दर्न पाकिस्तान में, इंडिया में और वेस्टर्न चाइना वगैरह में पाए जाते हैं। इट इज द लार्जेस्ट मैमल ऑफ दिस रीजन, ठीक है, तो ये आ जाता है इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट मैमल कौन सा है हमारे हिमालयन रीजन का, तो कौन सा आता बच्चे, हिमालयन ब्राउन बियर, मेल्स रीचिंग द हाइट ऑफ मतलब 7 फुट तक इनकी हाइट हो सकती है, फीमेल्स की भी थोड़ी बहुत लिटिल स्मॉलर होती है, इस तरीके से ये देखते हैं। द बियर्स आर ओमनीवोरस, हाइबरनेट इन द डेंस ड्यूरिंग द विंटर, जब सर्दियों का मौसम होता है, मैं और किसी एरिया की बात नहीं करता, मैंने द्रास की बात सुनी हुई है, ठीक है, द्रास में क्या होता है कि जब विंटर्स का टाइम होता है ये तो निकलते ही भी नहीं है बाहर, और बहुत सारे लोगों ने द्रास में, द्रास की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोगों ने द्रास में ये हिमालयन ब्राउन बियर जो है वो देखा हुआ है, ठीक है। अब जब ये गर्मियों का टाइम होता है अप्रैल मई का, उस टाइम पे ये दिखते हैं, ये हाईली इंडेंजर्ड है और पॉपुलेशन जो है इसकी बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, ठीक है, होते भी ये रिस्की भी हैं, ये बड़ी बार मैंने मतलब बड़ी बार मेरे स्टूडेंट्स भी बताते थे कि ये जो हमारे जानवर वगैरह अगर बाहर हों तो ये बहुत बार उठा के ले जाता है, खा जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना अग्रेसिव ब्रीड भी ये आती है, ठीक है, जो कि नुकसान करता है। लेकिन अगर बात करूँ, अगर हम अपनी वैरायटी पे बात करते हैं फना इसकी फना की, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों यार अपने जानवरों को क्यों ख़त्म होने देना, अब संभालना मुश्किल है बेशक, लेकिन फिर भी यार खत्म थोड़ी होने देना होता है, एक्सटिंक्ट पे आ चुका है ये। तो इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है आपका कि लार्जेस्ट मैमल जो है हमारे हिमालयन जगह का, तो वो कौन सा आ जाता है, हिमालयन ब्राउन बियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यस, अब हम चलते हैं सीधा किसकी तरफ, कश्मीर मस्क डियर की तरफ, ठीक है, इस तरीके से दिखते हैं ये भाई साहब, कश्मीर मस्क डियर। द कश्मीर मस्क डियर इज एन इंडेंजर्ड स्पीशीज, ये भी खत्म होने के कगार पे है, ये भी खत्म होने के कगार पे है, और ये कहाँ का नेटिव है, मतलब अफगानिस्तान में आपको मिलेगा, इंडिया में मिलेगा और पाकिस्तान में आपको मिल जाएगा। रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट द स्पीशीज आर ऑल्सो नेटिव ऑफ द वेस्टर्न नेपाल, हमारी जो रिसर्च वगैरह होती हैं, पहले हम काफी देर तक यही मान के चलते थे कि ये अफगानिस्तान का, इंडिया का और पाकिस्तान का पार्ट, मतलब वहीं पे मिलते हैं, ठीक है, लेकिन अब रिसर्च बोल रही हैं कि नेपाल में भी ये मिलते हैं। द कश्मीरी मस्क डियर विच इज वन ऑफ द 7 सिमिलर स्पीशीज फाउंड थ्रू आउट द एशिया, ठीक है, इसी के तरीके से 7 और स्पीशीज भी हैं जो कि कहां पे मिलती हैं, एशिया में मिल जाती हैं, और ये भी इंडेंजर्ड है, ठीक है, इनका पूरा लॉस वगैरह हो रहा है, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द पोचर्स हंटिंग ऑफ द एनिमल फॉर इट्स प्राइस कैंट ग्लैंड्स, ठीक है, इसे ग्लैंड वगैरह बेचने के लिए पॉचिंग वगैरह की जाती है, इसके शिकार वगैरह किया जाता है, जिसकी वजह से खत्म हो रही है, ठीक है, यार शिकार करके मतलब पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन उसके बाद जो हमारी पूरे पूरा कल्चर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, एक स्पीशीज ही खत्म हो जाएगी, उसके बारे में नहीं देखते हम लोग, ठीक है। अब पहले तो ये माना जाता था कि ये अफगानिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान में ही मिलती है, लेकिन अब सर्चिस के हिसाब से ये भी बोला जाता है कि ये कहाँ पे आपको मिलती है, वेस्टर्न नेपाल में भी आपको मिल जाती है, ठीक है, और ये 7 सिमिलर स्पीशीज की तरह शो होती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ, अब आता है हमारा कश्मीर ग्रे लंगूर, ठीक है, ये लंगूर, वाह क्या बंदा है। द कश्मीर ग्रे लंगूर इज एन ओल्ड वर्ल्ड मंकी, ठीक है, ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी है, वन ऑफ द लंगूर स्पीशीज, लंगूरों की एक स्पीशीज में आता है ये, इट इज अ लीफ ईटिंग मंकी, ठीक है, ये वेज ही है, ठीक है, वेजिटेरियन मंकी है ये, ठीक है, मंकीज वैसे होते ही वेजिटेरियन है, ठीक है, ये लीफ ज्यादा खाता है। इट हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में भी आपको ये मिल जाएगा। इट इज लिस्टेड इन द इंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट, ठीक है, IUCN रेड लिस्ट है, उसमें भी इसको इंडेंजर्ड मतलब करार दे दिया गया है, ठीक है। द बर्थिंग सीजन फॉर द कश्मीरी ग्रे लंगूर रन्स फ्रॉम जनवरी टू जून, उस टाइम पे ये जन्म वगैरह देते हैं बच्चों को, और दो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इन्फेंट्स आर बॉर्न इन द मार्च, ठीक है, मार्च जो होता है ना इनका हैप्पी बर्थडे वाला मौसम होता है कि इसमें ही सारे के सारे सारे लंगूर जो है वो मैक्सिमम पैदा होंगे, ठीक है। तो हैप्पी बर्थडे मंथ कौन सा हुआ हमारे लंगूरों का, हमारे हो गया मार्च का टाइम, ठीक है, और ये IUCN रेड लिस्ट जो है उसके अंदर इसको शामिल कर दिया गया है, ठीक है, ये लीफ ईटिंग मंकी होता है,
बाकी मंकीज जो होते हैं होते वो वेजिटेरियन ही है पर कुछ और खा लेते हैं, ये मैक्सिमम लीफ पे ही डिपेंडेंट होता है। ठीक है, मिलता कहाँ पे आपको, जम्मू में, कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में। देखो देख भी रहा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, स्नो लेपर्ड की बात करते हैं। अब द स्नो लेपर्ड पैंथर ऑन्सिया इज ऑल्सो नोन एज ऑन्स, इसको ऑन्स भी कहा जाता है, इज द लार्ज कैट नेटिव ऑफ द माउंटेन रेंजेस ऑफ द साउथ एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है, ये बहुत बड़ी, ये कैट्स की एक प्रजाति आती है ना, तो ये सबसे बड़ी कैट नेटिव माना जाता है। ठीक है, ये भी मतलब खत्म होने वाली है, वल्नरेबल स्पीशीज है, बची तो बची, नहीं बची तो नहीं बची। ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन एज एस्टिमेटेड टू द नंबर लेस देन 10,000, 10,000 से ज्यादा कम हो चुकी है ये इस टाइम पे। ठीक है, जो स्नो लेपर्ड है वो खत्म होने के कगार पे बिल्कुल आ चुका है। ठीक है, और इसको बचाने के लिए काफी ज्यादा मतलब नेशनल पार्क वगैरह सेटअप किए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा नेशनल पार्क जो है वो पर्टिकुलरली इसी की प्रोटेक्शन के लिए सेटअप किया गया है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कश्मीरी स्टेक। ठीक है, द कश्मीरी स्टेक कर्वस कैने डेनिसिस होंगुल इज आल्सो कॉल्ड हंगुल, इसको हंगुल भी कहा जाता है। ये एक स्पष्ट सब स्पीशीज है, मतलब कश्मीर में ही पाई जाती है। दिस डेयर लिव्स इन अ ग्रुप ऑफ 2 to 18 इंडिविजुअल्स, मतलब पूरे ग्रुप में चलते हैं, अकेले नहीं चलते ये लोग। ठीक है, और ये फॉरेस्ट में आपको मिल जाएंगे, हाई वैलीज में मिलते हैं आपको, जो कि कभी मतलब ये भी माना जाता है कि ये चंबा डिस्ट्रिक्ट है, चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश की, वहां पे भी आपको मिल जाएंगे। इन कश्मीर इट इज फाउंड इन द डचिगम नेशनल पार्क। तो कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें आपको कौन मिल जाता है, कश्मीरी स्टैग मिल जाता है, तो वो कौन सा आता है बच्चे, डचिगम नेशनल पार्क। ठीक है, जम्मू के सॉरी कश्मीर के जो डचिगम नेशनल पार्क है उसमें आपको ये मिल जाता है। इन 1940s द पॉपुलेशन हैज बिटवीन 3,000 to 5,000। ठीक है, 3,000 to 5,000 थी कब, 1940 में। बट सिंस दैट द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ओवरग्रेजिंग बाय द डोमेस्टिक लाइव स्टॉक एंड द पोचिंग, ये रिड्यूस हो गए, इनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी ड्रामेटिकली रिड्यूस हुई है। ठीक है, और ये हमारे लिए हमारी हर स्टेट की शान मानी जाती थी किसी टाइम पे। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं बात करता हूं तो इसकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुकी है। और कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जहां पे इसको स्पेशली रिजर्व करके रखा गया है या इसको इसकी रिजर्वेशन रखी हुई है। ठीक है, तो वो कौन सा आता है बच्चे, डचिगम नेशनल पार्क। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, वाइल्ड गोट की तरफ। यार वाइल्ड गोट जो है ये मतलब ये जॉन क्रिश्चियन पेरीक्रैप, ये इस बंदे ने ये पूरा वाइल्ड गोट का पूरा पॉपुलेशन का इसका एक एस्टिमेट दिया था। इट इज अ वाइल्ड गोट स्पीशीज इनहैबिटिंग फॉरेस्ट एंड स्क्रब लैंड्स एंड रॉकी एरियाज ऑफ द रेंजिंग फ्रॉम टर्की टू क्रेस्कस। ठीक है, ये तुर्की से लेके पूरा तुर्किस्मेनिया या अफगानिस्तान पाकिस्तान इस रीजन में ये सारी मिल जाती है। ये माना जाता है कि ये एक एंसेस्टर्स हैं डोमेस्टिक गोट, जो कि डोमेस्टिक गोट्स होती हैं उन्हीं के एंसेस्टर्स जो हैं वो ये मानी जाती है वाइल्ड गोट। ठीक है, लग कहीं से वाइल्ड नहीं रही है, अब पता नहीं कितनी खतरनाक है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, जनिस्कारी द जनिस्कारी और जनिस्कारी या फिर जनिस्कारी जो है ये एक ऐसी ब्रीड है स्मॉल माउंटेन हॉर्स की या फिर पोनी लद्दाख इन नॉर्थ इंडिया। इट इज नेम्ड फॉर जनस्कार वैली और द रीजन इन द करगिल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये जनस्कार रीजन जो है करगिल डिस्ट्रिक्ट का एक रीजन है, वहां पे आपको इजीली मिल जाएगा। इट इज सिमिलर टू द स्पिति ब्रीड ऑफ द हिमाचल प्रदेश। मैंने आपको एक चीज एक लेक्चर में बताया था, जो स्पिति इलाका आता है कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का, वो एक एक्सटेंशन है लद्दाख हिमालयस की। ठीक है, एक्सटेंशन है किसकी, लद्दाख हिमालयस की। तो वहां पे भी आपको ये ब्रीड मिल जाएगी पोनीज की, नाम बेशक अलग होगा इसका। ठीक है, लाइक द स्पिति इट इज शोज सिमिलैरिटीज टू द तिब्बतियन ब्रीड्स ऑफ द नेबरिंग तिब्बत। वहां पे भी तिब्बत में भी ये मिलेगी। संस्कारी जो है ये मीडियम साइज का ऑफन ग्रे कलर का आपको एक मिल जाता है क्या, अब सॉरी एक एनिमल मिल जाता है जनस्कारी। जनस्कारी जो है आपको कहाँ कहाँ पे मिल जाता है, एक तो लद्दाख के प्लेटू में मिल जाता है, दूसरा हिमाचल प्रदेश में आपको मिल जाएगा, और तीसरा इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक ऐसी ब्रीड है जो कि तिब्बतन प्लेटू में भी आपको मिल जाती है। अब नाम अलग अलग होंगे लेकिन मिल जाएगी आपको, तिब्बतन प्लेटू में भी मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में भी मिलेगा। लेकिन बात ये भी एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ये भी खत्म होने के कगार पे आने वाली है, खत्म होने के कगार पे आने वाली है। बहुत ही ज़्यादा फ्यू रह चुके हैं और इसको मतलब कहते हैं ना कि एक सही बनाने के लिए, या फिर हम बात करते हैं इसको अच्छे से कंजर्व करने के लिए, इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोग्राम्स जो हैं उनको सेटअप कर दिया गया है। ठीक है,
अब जंस्कारी के बाद आ जाते हैं हम किसके ऊपर, अपने ब्लैक नेक्ड क्रेन के ऊपर। ठीक है, ये जो ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है ये आपको तिब्बतन प्लेट्यू में मिलेगी। ठीक है, ये तिब्बतन प्लेट्यू में मिलेगी। इसकी हाइट वगैरह जो है वो 139 सेंटीमीटर तक जा सकती है, वो याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपकी रेफरेंस के लिए बता दिया आपको। ये हमारे जम्मू कश्मीर की आन बान और शान, मतलब हमारा बर्ड माना जाता था किसी टाइम पे जब स्टेट वगैरह थी हमारी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, इट वॉज द स्टेट बर्ड ऑफ जम्मू कश्मीर। मैंने आपको जिस तरह बताया ये जम्मू कश्मीर का स्टेट बर्ड होता था किसी टाइम पे। ठीक है, ये आपको मिलेगा कहाँ पे, ये आपको मिलेगा लेक साइड्स पे, रिवराइन मार्शेस पे, वहां पे आपको मिल जाएगा। ये ज्यादा फीडिंग जो करता है फिशेज वगैरह पे कर देता है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि इसकी मतलब इसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, वो है चाइना में। ठीक है, चाइना में आपको इसकी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ वियतनाम की जगह आती है, ठीक है, भूटान की जगह आती है, इंडिया की जगह आती है, वहां पर इसकी पॉपुलेशन कम होती जाती है। ठीक है, लेकिन चाइना में है इसकी बहुत ज्यादा आपको पॉपुलेशन मिल जाती है बच्चा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स की तरफ। ठीक है, इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स जैसे कि हमारा सबसे पहले आ जाता है, मैंने आपको जैसे फ्लोरा फौना मैंने आपको पूरा करवा दिया, अब उस फ्लोरा फौना की प्रिजर्वेशन सेंटर्स यानी कि नेशनल पार्क्स जो हैं हमने उनकी तरफ बढ़ना है। ठीक है, अब हम अपने पहले नेशनल पार्क की तरफ आते हैं जो कि है डचेगम नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहाँ पे है बेटा, ये है श्रीनगर में। ठीक है, 22 श्रीनगर से कुछ 22 किलोमीटर दूर के इलाके में, और ये जबरवान रेंजेस पे आ जाता है। कहाँ पे आता है बेटा, जबरवान रेंजेस पे। ठीक है, और ये डिक्लेयर किया गया था, ये डिक्लेयर किया गया था नेशनल पार्क ऑफ, मतलब नेशनल पार्क इसको डिक्लेयर किया गया था 1981 में। कब डिक्लेयर किया गया था बेटा, 1981 में। उससे पहले भी ये था, उसको पहले गवर्नमेंट चलाती थी, उससे पहले राजा चलाते थे, लेकिन इसको नेशनल पार्क जो है वो डिक्लेरेशन मिली थी, वो मिली थी 1981 में। ठीक है, अब देखो नेशनल पार्क में सिर्फ जानवर या वो नहीं होते, बर्ड्स वगैरह नहीं होते, पेड़ भी होते हैं, लेकिन पेड़ों में इतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो वो मैंने आपको नहीं डाले। ठीक है, मैंने जो इंपॉर्टेंट है फना और एवी फना जो है, जो बटरफ्लाइज वगैरह हैं, बर्ड्स वगैरह हैं इंपॉर्टेंट, मैंने वही रखे हैं आपके लिए। अब मैं बात करता हूँ फना की, किसकी बात करने बच्चे, फना की। ये जो हांगुल है, हांगुल या फिर कश्मीरी स्टैग, कश्मीर स्टैग जो है ये हमारे फ्लोरा फना का बहुत ही, मतलब ये जो डचेगम नेशनल पार्क है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज मानी जाती है। ये एक रेड डेयर की स्पीशीज है, यहाँ पे मस्क डेयर मिल जाएगा आपको, हिमालयन सेरो मिल जाएगा, कश्मीरी ग्रे लंगूर मिल जाएगा। मैंने जितने भी आपको फना के एनिमल्स पढ़ाए ना, मैक्सिमम आधी प्रजातियां तो यहीं पे मिल जाएंगी आपको। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं एवी फना की तरफ। इसमें 150 से ज्यादा स्पीशीज आपको बर्ड्स की भी मिलेंगी, जैसे ब्लैक बुलबुल, फिर उसके बाद सेरेबम स्पैरो हो गया, गोल्डन ओरियल हो गया, ये सारी की सारी आपको ब्रीडेड वल्चर्स वगैरह ये आपको मिल जाएंगे। अब ये एनिमल्स बहुत ज्यादा मैंने आपको बताए हैं, ये क्यों बताए हैं, ताकि एक बार आप गो थ्रू कर लो, एक बार उसको रीड कर लो। ये मतलब आने के रेयरली चांसेस होते हैं, लेकिन यार क्यों छोड़ना है यार, कुछ सिंपल सी बात है आपकी, मतलब अगर आप कोई चैप्टर कर रहे हो प्रिपेयर तो अच्छे से करो, पूरा ही प्रिपेयर करो कि कल को कोई क्वेश्चन पूछे तो कोई आपको इस तरीके से चैलेंज ना कर सके कि आपको कुछ आता नहीं है। ठीक है, आपको इस लेक्चर के बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए, उस तरीके से मैं आपको ये करवा रहा हूँ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे हम चलते हैं सिर्फ किसकी तरफ, काजीनाग नेशनल पार्क की तरफ। ठीक है, काजीनाग, इसको काजीनाग क्यों वाला काजीनाग भी बोल सकते हैं, के वाला भी बोल सकते हैं। ये कमीशन जो है, ये नेशनल पार्क जो है, ये बारामुल्ला में कमीशन हुआ था। ठीक है, अब ये क्यों, मतलब जब कारगिल वॉर के बाद जो इंडेंजर्ड स्पीशीज थी, जब हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, ठीक है, स्पेशली वाइल्ड रेयर वाइल्ड मारखोर जो थी, रेयर वाइल्ड मारखोर जब खत्म होने के कगार पे आ रही थी, तो काजीनाग नेशनल पार्क को बारामुल्ला में सेटअप किया गया था। ठीक है, और ये जो काजीनाग नेशनल पार्क है, ये 2-3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मिला के बनाया गया है। पहली तो आ जाती है हमारी लंबा, दूसरी आ जाती है लाचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीसरी आ जाती है हमारी नगनारी कंजर्वेटिव रिजर्व। ठीक है, ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो, जो करना कर लो, लेकिन ये नोटेड रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सॉरी नेशनल पार्क है, जो कि 2-4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मिला के बनाए, या फिर नाम ही दे देंगे वो सीधा सीधा, लिम्बर लाचीपुरा और नगनारी कंजर्वेटिव रिजर्व, इन तीनों को मिलाकर कौन सा नेशनल पार्क जो है बना है। ठीक है, अब इसमें फना जो है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पीशीज आपको मिल जाती हैं फना की। ठीक है, जैसे कि मारखोर वाइल्ड गोट हो गया, मस्क डेयर हो गया, ये सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एवी फना की बात करते हैं। ठीक है, ये 120 से ज़्यादा बर्ड्स की स्पीशीज का घर माना जाता है। यहाँ पे गोल्डन ईगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोल्डन ईगल आपको मिल जाती है। ठीक है,
अब बटरफ्लाइज की भी बहुत ज़्यादा स्पीशीज जो है यहाँ पे मिलती हैं, कुछ 17 के करीब के स्पीशीज हैं, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। पहली तो बात ये याद रखना ये बारामुल्ला में है, ये कारगिल वॉर के बाद बनाया गया था। लिम्बर, लाचीपुरा और नंगाली जो कंजर्वेशन रिजर्व थे इनको मिलाकर बनाया गया था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन किसकी चलती है, वाइल्ड, ये जो मारकोर वाइल्ड गोट है उसकी की जाती है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ठीक है, किश्तवाड़ में भी एक नेशनल पार्क है जो कि जिसकी स्थापना हुई थी 4 फरवरी 1981 को, ठीक है, 4 फरवरी 1981 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका काम क्या है, स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। यहाँ ये एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन सेंटर है किसका, स्नो लेपर्ड का। मैंने जब स्नो मतलब जब आपको मैं फना का पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं एक बताऊंगा कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे स्पेशली कंजर्वेटिव मेजर्स लिए गए हैं किसको बचाने के, नेशनल स्नो ये सॉरी स्नो लेपर्ड को बचाने के, ठीक है। हाइटेड ये एरियाज वगैरह छोड़ो, इसको याद नहीं करना, इसमें इंपॉर्टेंट ये है। अब फना की बात मैं करता हूं तो ये एक नेशनल हैबिटेट है 15 मैमल स्पीशीज का, ठीक है, जिसमें मस्क डेयर, हिमालयन ब्लैक बेयर, ब्राउन बेयर, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हंगुल है जिसको हम कश्मीरी स्टैग कहते हैं, वो डचिगम नेशनल पार्क से निकलकर सर्दियों में कहाँ आ जाता है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क में। ठंड वगैरह लगती है यार उसको भी, वो भी बेचारा जिंदा मनुष्य है, ठीक है, तो वो कहाँ पे आ जाता है, इसमें कश्मीरी स्टैग जो है वो आ जाता है किश्तवाड़ में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एविफना की, ये भी ये जो किश्तवाड़ नेशनल पार्क है ना, यहाँ पे 50 से ज़्यादा बर्ड की स्पीशीज मिल जाएंगी, जैसे बुलबुल, ठीक है, कोकलास, ठीक है, ये सारे के सारे आपको बर्ड की स्पीशीज यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट नेशनल पार्क की तरफ जिसका नाम है सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है। अब हिमीज का भी था लेकिन हिमीज अब लद्दाख में जा चुका है तो अब उसके लिए हम वहाँ तो जाएंगे नहीं हम लोग, ठीक है, लद्दाख की बात करनी नहीं हमने, हमने रहना ही जम्मू कश्मीर में खाली। तो अब हम बात करते हैं किसकी, सलीम अली नेशनल पार्क की। सलीम अली नेशनल पार्क जो है इसको सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, जो कि कहां पे है, ये श्रीनगर में, ठीक है, ये श्रीनगर में है। इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी ये मतलब नोटिफाइड, मतलब इसके कागजों पत्रों में बोल दिया था कि यहां पे हम नेशनल पार्क बनाएंगे, कब बोला गया था कागजों पत्रों में, 1986 में, ठीक है। उसके बाद ये एस्टैब्लिशमेंट पूरा बना बुना 1992 तक ये रेडी हो चुका था, ठीक है। अब ये सलीम अली जी के नाम पे, जो कि एक इंडियन ओरिनोथोलॉजिस्ट थे, उनके नाम पे ये बनाया गया है, ठीक है। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट आता है कि ये एक रॉयल गोल्फ कोर्स में कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है, ये एक रॉयल गोल्फ कोर्स में कन्वर्ट कर दिया गया था। और इसको कन्वर्ट किसने किया था, वहाँ उस टाइम पे फारूक अब्दुल्ला जी चीफ मिनिस्टर वगैरह थे, उन्होंने ही इसको कन्वर्ट किया था। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्पीशीज जैसे हांगुल हो गया, मस्क डेयर वगैरह आपको मिल जाएगा। तो सलीम अली नेशनल पार्क में बताता हूँ मैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो आ गया कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क जो था उसको रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में कन्वर्ट किया गया था, तो वो कौन सा आता है बच्चे, सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है, यही आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हमने जाना है अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की तरफ, ठीक है। अब मैंने वाइल्ड, देखो यार ये आगे ही टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंथी है, ठीक है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का मैंने आपको बताया नहीं है क्योंकि इसमें से जो पूछा भी जाएगा ना वो एमसीक्यू मैं आपको एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस दे दूंगा, ठीक है। मैं कुछ 60 के करीब करीब या 30 एक सेट या दो सेट दे दूंगा आपको एमसीक्यूज के, जिसमें आपको इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हमारे स्टेट में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जैसे गुलमर्ग हो गया, हिरपुरा हो गया, ओवरारू हो गया, नंदिनी हो गया, राजपर्यन हो गया, त्रिकुटा हो गया, ठीक है, सुरीसर हो गया, रामनगर हो गया, फिर उसको बालटाल हो गया, चंगतंग हो गया, ये सारी के सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो भी हमारे स्टेट के अंदर है, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा का पूरा कंप्लीट टॉपिक करवा दिया है। अब हम एक जल्दी से ना क्विक रिकैप ले लेते हैं यार, क्विक रिकैप से क्या होगा कि आपको जल्दी जल्दी पूरा रिकॉल हो जाएगा और जो जो हमने पढ़ा, ठीक है, नहीं तो हमारे यहाँ पे मैंने बोला ना ये लेक्चर याद करने के लिए भी बड़ा ज़्यादा दम रखना पड़ेगा, ठीक है। उस तरीके से एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ आपको ताकि ये कभी भूले नहीं, ठीक है। फ्लोरा फना के लेक्चर में मैंने बात की थी, मैंने बताया आपको कि कुछ सुरमा ऐसे भी होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि फ्लोरा कौन सा होता है और फना कौन सा होता है। तो फ्लोरा आ जाता है हमारा प्लांट किंगडम के अंदर, फना आ जाता है हमारा एनिमल किंगडम के अंदर, ठीक है। अब फ्लोरा फना की प्रोटेक्शन का काम किसका है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का, जो कि सेटअप हुआ था 1978 में, ठीक है, 1978 में ये सेटअप हुआ था। उसके बाद हम आए अपने फ्लोरा की तरफ, हमने सबसे पहले पढ़ा बिस्टोर्टा एफर्नस के बारे में, जो कि हमें कहाँ पे मिलता है, हिमालयाज में मिलता है, अफगानिस्तान से लेके नेपाल तक मिल जाता है, ठीक है। ये एक ऑर्नामेंटली इसे यूज किया जाता है एज ए ग्राउंड कवर। फिर उसके बाद आता है कार्डस क्रिस्पस, जो कि हनी प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा काम आता है। इसके अंदर
एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है खतरनाक नाम वाला एक्नेकोलाकोलोना, जेड़ा भी है, ठीक है। ये आ जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंगल राइस, इसको हम जंगल राइस भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे मतलब अगर लोकल लैंग्वेज में अगर हम इसकी बात करें, हिंदुस्तानी में बात करें, तो इसको समय का चावल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? समय का चावल। गुजरात में इसको समू, ठीक है, मोरियो भी कहा जाता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम इस नेक्स्ट की तरफ, गॉलथीरिया त्रिचोल, ठीक है। ये एक हिमालयन स्नोबेरी है। आपको मैंने बता दिया कि जो बेरीज होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये बिल्कुल फ्रेश, मतलब कहते हैं ना एक हेल्दियर फॉर्म में होती है, जो कि हमने खुद ही नहीं उगाई है, जो खुद ही उगती है, मतलब जो अपने ही आप उगाई जाती है और बिल्कुल फ्रेश और प्योर फॉर्म में होती है, ठीक है। इसमें ब्लू कलर्ड बेरीज होती हैं, इसकी ब्लू कलर्ड बेरीज जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद आता है एरिस क्रोसिया, ठीक है, ये गोल्डन फ्लैग के नाम से भी जाना जाता है, गोल्डन फ्लैग के नाम से भी। उसके बाद आता है हमारा चिनार, जिसको ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर भी कहा जाता था। वर्ल्ड का सबसे पुराना चिनार ट्री जो है वो हमारे ही स्टेट में है, कहाँ पे? बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में, जो कि 327 ईयर्स पुराना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि नसीम बाग एक ऐसा मतलब मुगल गार्डन था, जो कि फर्स्ट ऐसा चिनार मतलब ऐसा एक गार्डन था जिसको चिनार हेरिटेज पार्क भी बोला गया है, जिसमें 700 से ज्यादा चिनार के पेड़ हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोटस की तरफ। लोटस जो है उसको स्टेट फ्लावर भी कहा जाता था, इसका नाम कंपोज था, ठीक है। ये अक्टूबर के टाइम पे, जून से अक्टूबर के टाइम पे इसकी फ्लावरिंग ज्यादा होती थी। ट्रेडिशनली अगर मैं हिंदू मैथोलॉजी की बात करता हूँ, तो ये भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता था, और जो सेरेमनीज होते हैं, जो कहते हैं ना पद्मश्री, पद्म विभूषण, तो जो पद्म होता है ना उसका मतलब क्या होता है? लोटस, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपने फना की तरफ। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी है फना की। सबसे पहले हिमालयन ब्राउन बेयर की बात करते हैं, तो ये आपको मतलब कहाँ पे मिलेंगे? अफगानिस्तान, नॉर्दर्न पाकिस्तान, इन सारे रीजन्स में मिल जाएंगे, वेस्टर्न नेपाल, चाइना वगैरह में मिल जाएंगे आपको। वेस्टर्न चाइना मतलब जो तिब्बतन प्लेटू का नियर का रीजन है, ठीक है, लद्दाख वाली साइड मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हम जाते हैं कश्मीर मस्क डेयर की तरफ, ठीक है। ये मतलब एक सेवन स्पीशीज की तरह ही मतलब मानी जाती है, ठीक है। इसकी भी एक्सटिंक्शन पे आ चुकी है, क्योंकि हंटिंग और पोस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद आते हैं ये भाई साहब जिसका नाम है कश्मीर ग्रे लंगूर, ठीक है। ये इनका जो हैप्पी बर्थडे मंथ होता है वो मार्च होता है। मैक्सिमम जो मतलब कश्मीरी ग्रे लंगूर का बर्थ होता है वो मार्च के टाइम पे ही होता है। ये भी स्पीशीज खत्म होने के टाइम पे है, और ये लीफ ईटर होता है, ये लीफ ही खाता है, ये याद रखना। फिर उसके बाद आता है स्नो लेपर्ड, जो कि वाइल्ड कैट, ये कैट्स की एक नेटिव है, ये मतलब ये भी खत्म होने वाली है, 10,000 से कम नंबर में रह चुकी हैं इस टाइम पे ये, ठीक है। फिर कश्मीरी स्टैग, जिसको होंगुल भी कहा जाता था, ये हमारे स्टेट का एनिमल हुआ करता था किसी टाइम पे, ये कश्मीर या आपको हिमाचल प्रदेश में भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये भी एक्सटेंक्ट होने वाला है, किस 1940 से अगर हम बात करें तो ये 3,000 से 5,000 इंडिविजुअल्स होते थे ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अभी नहीं रहे, ठीक है। ये जो पूरे स्टैग है ना, ये ग्रुप्स में ही रहना पसंद करते हैं। फिर वाइल्ड गोट आती है, ये जो डोमेस्टिक गोट है उसी की एक मतलब कहते हैं ना एक दादी पर नानी वैसी मानी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है टर्की, ये टर्की वगैरह में मिलती थी, उसके बाद हमारे रीजन में मिलती है। फिर आता है जनस्कारी, जिसको हम जनस्कारी भी बोलते हैं, ये लद्दाख में आपको मिल जाएगी, हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगी, तिब्बतन प्लेटू में मिल जाएगा, ठीक है, और ये भी एक्सटिंक्शन पे आ चुका है, ठीक है। फिर आती है ब्लैक नेक ग्रीन, जो कि जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसमें मिलती है? चाइना में, और ये हमारे जम्मू कश्मीर का किसी टाइम पे बर्ड मानी जाती थी, ठीक है। फिर उसके बाद हम जाते हैं डचगन नेशनल पार्क में, ये श्रीनगर में है, ठीक है। ये 1981 में सेटअप किया गया था। इसमें जो होंगुल है, ये इसकी सबसे खासियत है कि होंगुल जो है वो किस नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? तो डचगन में ही पाए जाते हैं। उसके बाद हम काजीरंगा में गए थे, ये फेमस है किसके लिए? रेयर मारकोर वाइल्ड गोट के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम किश्तवाड़ गए थे, किश्तवाड़ गए ही नहीं थे, किश्तवाड़ नेशनल पार्क की बात करनी है। 4 फरवरी 1981 में ये सेटअप किया गया था। जब सर्दी होती है तो डचगन नेशनल पार्क से होंगुल जो है वो यहाँ आके बस जाते हैं, और ये स्नो लेपर्ड की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क जो है इसको श्रीनगर में सेटअप किया था। इसको कंट्री का सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ठीक है। 1992 में तैयार हो गया था, और इसको गोल्फ कोर्स बना दिया था किसने? फारूक अब्दुल्ला जी ने, ठीक है। उसके बाद ये हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं। देखो स्टूडेंट्स, जितना भी फ्लोरा फौना का टॉपिक में जो जो तुम्हें आ सकता है ना, वो सारा का सारा मैं इस लेक्चर में करवा चुका हूँ। इसके बाद मैं आपको कुछ एमसीक्यूज वगैरह भी दूंगा। जब एमसीक्यूज हो जाएंगे, उसके बाद हमारा पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जिसको भी टॉपिक सही लगा हो, अच्छा लगा हो, यार लाइक करना। लाइक से क्या होता है कि हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिल रही है, हम काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और आपको बहुत ज्यादा वो हेल्पफुल हो रहा है, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करना, कुछ डाउट्स होंगे तो कमेंट में कर सकते हो आप लोग रिप्लाई, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।